फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करने जा रही हूँ आपके साथ में NY Bae के काजल के बारे में, जिसको यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है। ये अबाउट टू फिनिश है और अब मैं आपके साथ में पूरा इसका रिव्यू डिटेल में शेयर कर सकती हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, जिससे और लोग भी मेरे वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें, ये जान पाएँ प्रोडक्ट्स ख़रीदना उनके लिए वर्थ है या नहीं है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। ये है NY Bae का काजल, जिसका नाम है द बिग एप्पल ऑफ माय आई। इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी की बात कर ली जाए तो ये मिलती है हमें 0.25 की प्रोडक्ट क्वांटिटी रिसीव हो जाती है। MRP है इसका 85 रुपीज़। जो इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग आती है, ऊपर लिखा होता है MRP इसका, तो वो मैं क्योंकि हटा चुकी हूँ तो यहाँ पे MRP आपको नज़र नहीं आएगी। एंड 85 रुपीज़ इसकी MRP ज़रूर है, बट मैंने इसको 50% ऑफ पे ख़रीदा था। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सारे प्रोडक्ट्स पर्पल पे तभी परचेज करती हूँ जब उस पर 50% ऑफ ऑलमोस्ट मिल रहा होता है। मैंने कभी भी 50% से ज़्यादा पैसे नहीं पे किए हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। ओके, तो बात कर लेते हैं इस काजल की तरफ पे। ये इस तरीके से इसकी प्लास्टिक ओपनिंग है, आवाज़ सुन सकते हैं आप। इसकी जो क्लिक की आवाज़ है, ये इसको बनाती है ट्रैवल फ्रेंडली। अगर आप इसको अपने पर्स में भी डाल करके, हैंडबैग में डाल करके भी आप इसको अगर ट्रैवल करते हैं, अगर आप इसको अपने पर्स में, हैंडबैग में डाल के भी इसको ट्रैवल करेंगे अगर, तो भी ये कहीं भी लीक आउट नहीं होगा, स्पिल आउट नहीं होगा, टूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहने वाला है। बिकॉज इसकी ये जो कैप है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अच्छे से ये लॉक हो जाती है। बात करें इस प्रोडक्ट की, इस तरीके से प्लास्टिक की कोटिंग मिलती है। ये रिट्रैक्टेबल है, ये देख सकते हैं आप, इसको मूव करेंगे और मेरा सिर्फ इतना सा ही प्रोडक्ट बचा है। देख सकते हैं आप, ये इतना सा ही प्रोडक्ट मेरा बचा है। मैं बाकी सारा यूज़ कर चुकी हूँ तब मैं आपके साथ में रिव्यू कर रही हूँ। और जो मेरे चैनल पर रेगुलर व्यूअर्स होंगे, उनको सबको पता होगा कि मैं सारे प्रोडक्ट्स को तभी रिव्यू करती हूँ जब मैं खुद उनको बहुत अच्छे से यूज़ कर लूँ, उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स के साथ में तभी मैं आपके साथ में आती हूँ। दैट्स वाई मेरे वीडियोज़ बिल्कुल न्यू लॉन्च होने के साथ में नहीं आते हैं और हमेशा थोड़ा सा लेट ही आते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, ये काजल कैसा है और कितना फ्रूटफुल है यूज़ करना। ओके, मैं इसको दिखा देती हूँ कि ये कितना, देख लीजिए वन स्वाइप में ये कितना अच्छा कलर पे ऑफ दे रहा है। बहुत ही डार्क है, आप देख सकते हैं। इसको डबल 2-3 बार आपको आँख पे वाटर लाइन पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा ये एक बार में ही आराम से लग जाता है काजल। बहुत ही ईजिली ग्लाइड होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, क्रीमी है, बहुत ही अच्छा है। एज़ कम्पेयर टू स्टेक वेयर की के जो काजल है वो भी ऐसे रिट्रैक्टेबल था। आई लव यू 2 जो उन्होंने रेंज लॉन्च किया था, उसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, इफ़ यू वॉन्ट टू चेक आप देख सकते हैं उसको, वो भी मैंने रिव्यू करा हुआ है उसके। और इस वाले को अगर कंपेयर करें तो ये एज़ कम्पेयर टू दैट सस्ता है, प्राइस वाइज, प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये सस्ता है, बट इसमें क्वान्टिटी भी कम है। इसमें 0.25 ग्राम्स मिल रहा है एंड स्टेक वेयर के वाले में 0.35 ग्राम्स हमें रिसीव हो रहा था। ओके, वो भी मैंने 50% ऑफ पे लिया था, ये भी 50% ऑफ पे लिया था, ठीक। और अब तो उन्होंने ड्यूअल वाला भी लॉन्च कर दिया है, वो भी मैंने परचेज़ कर रखा है, जल्दी ही उसका रिव्यू भी आपके साथ लेकर के आऊँगी। ओके, तो ये है इसका सिंगल स्वाइप में, ये बहुत ही अच्छे से आ जाता है कलर, आपको बहुत ज़्यादा आँखों पर रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बात करें कितना लास्ट करता है, तो इसमें क्लेम किया गया है कि लास्ट अप टू 12 आवर्स, बट नहीं, मेरे साथ में तो ये 12 आवर्स तक नहीं लास्ट करता है। 3-4 आवर्स आराम से चलता है, उसके बाद में इसको रीअप्लाई करना पड़ता है बिकॉज ये स्मज हो जाता है। दिखा दूँ मैं आपको, देखिए, देख रहे हैं आप, ये फैल रहा है, बड़ा आराम से ये फैल जाता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि टिका रहेगा, बट हाँ बिल्कुल वॉश आउट हो जाए ऐसा भी नहीं है, ये टोटली वॉश आउट नहीं होता है। तो इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हाँ, एट दिस प्राइस पॉइंट ये बहुत ही अच्छा है, लास्ट भी करता है अच्छा, अच्छे से आप इस पर से आई लाइनर अपना ड्रॉ कर सकते हैं, विंग लाइनर बना सकते हैं, एज ए काजल इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये इस प्राइस पॉइंट पर। और रही बात इसको रीअप्लाई करने की, तो रीअप्लाई करना पड़ता है, इसको टचअप देना पड़ता है, मुझे देना पड़ता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बिल्कुल देना पड़ता है। मेरे लिए ये 12 आवर्स तक नहीं ये स्टे करता एंड ये आइज़ के कॉर्नर में भी ज़रूर से डिपॉजिट होता है, तो उसको भी आपको क्लीन करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली।
बिना उसको क्लीन करे आप उसको रीअप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो जो था NY Bae की बिग एप्पल ऑफ माई आई कोल काजल के बारे में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे चैनल पर। टिल देन गुड बाय।